लगातार गंभीर है। संसद में बिल पेश किया गया था जो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसके बाद नए कानून के बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, लेकिन जो अभी तक कानून जारी है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को लेकर हमारे लेबर लॉज में, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ रामवीर दलाल हैं जो पूर्व क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामवीर जी। संजय के चड्ढा है हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। किस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं लेबर लॉ रिलेटेड, ये हम उनसे समझेंगे। और अनीश कुमार गुप्ता है हमारे साथ जो अपर महाधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। अनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। रामवीर जी सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जो संविदा कर्मी है, देश में हम अलग अलग कोने में देखते हैं कई आंदोलन चलाया जाता है स्थायित्व के लिए या उनकी मांग को लेकर, किस तरह के डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं और उनके अधिकारों को लेकर क्या बात है? बेसिक एस्पिरेशन जैसे आपने कहा कि अपने काम को लेके स्थायित्व का है जी, क्योंकि जब एक स्थायित्व या परमानेंसी हम किसी वर्कर को दे देते हैं तो उसके बहुत सारे अधिकार उससे जुड़े होते हैं जी। उसमें उसकी ग्रेच्युटी है, उसका बोनस है, उसका प्रोविडेंट फंड है, उसकी ईएसआई की फैसिलिटी है, वो और तमाम जो अलग अलग अधिकार उनको मिलते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे उद्योगपति हैं या जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है उसकी अपनी चुनौतियां हैं। उनके पास कभी काम ज्यादा रहता है, कभी काम कम रहता है, और अब ग्लोबलाइजेशन के आने से ये टेंडेंसी और बढ़ रही है जी। तो उनको भी हमेशा ये पता नहीं होता कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता आगे रहेगी जी जी। इसलिए उनकी भी एंजाइटी है कि हम कितने वर्कर्स को परमानेंट रख सकते हैं। तो सरकार का ये प्रयास रहा है जी कि अगर उद्योग जगत कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को रखता है तब भी वो बुनियादी सुविधाएं जो किसी भी कर्मचारी को मिलनी चाहिए जी। वो उनको मिल रही है या नहीं। तो इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 में एक अधिनियम बनाया था जी। उसके अलावा जो अलग अलग अधिनियम हैं, चाहे वो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है, ईपीएफ एक्ट है, या ईएसआई एक्ट है, या मिनिमम वेजेस है, उसमें भी अलग अलग प्रावधान हमने किए हुए हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी वही सुविधाएं मिले जो परमानेंट वर्कर्स को मिली हुई। जी बिल्कुल सजय जी, बहुत आमतौर पे कहा जाता है हायरिंग एंड फायरिंग, ये अगर आप परमानेंट नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आप इसके लिए तैयार रहें। नौकरी जाने का डर जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में सताता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो रिन्यू होगा या नहीं होगा, तो इसको लेकर क्या डिस्प्यूट्स स्टैंड करते हैं कोर्ट में? बिल्कुल करते हैं, पूरी जो लेबर कोर्ट्स, बल्कि हर न्यायालय हर जिले में लेबर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इन तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं। संभवतः यही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि क्या मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ क्या होगा, पहली चीज मुझे सुविधाएं जो हैं वो पूरी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो किस प्रकार से कौन कौन सी चीजों से मैं वंचित रह रहा हूँ। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ के जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और जो नॉर्मल लेबर है उसमें जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से आज से 50 साल पूरे 50 साल पहले आज से शुरू हुआ था ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया था, जिसमें उद्देश्य उसके सिर्फ दो तीन थे। सबसे बड़ा एक तो कोई जो दोनों के बीच में समानताएं ना समानता रहे, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको भी गंभीरता से लिया जाए, उनको सुख सुविधाएं जो है वो दी जाए, उन कई चीजों से जो वंचित रहते थे। देखिए एक बहुत अच्छा बताया रामवीर जी ने बेस कि क्या बिजनेस में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी अनिश्चितताएं होती हैं, तो वो रखना नहीं चाहते क्योंकि अगर रखेंगे तो उनको पीएफ ईएसआईसी ये वो तमाम चीजें, इतने बड़े 140 से ज्यादा एक्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें ये बोलना नहीं है, और ये वेलफेयर स्टेट में जो श्रमिक वर्ग है संगठित और असंगठित अगर हम दोनों मिला लें तो बहुत बड़ा हो जाता है। लोग हैं जो इससे गवर्न होते हैं, तो उन एक्ट्स में
जो असंगठित बेचारे आते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थोड़े दिन के लिए काम करवाए और चले गए, या तो एक तो ये कारण था। दूसरा, जो मैं ये बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से बता रहा हूं आपको कि आप ये समझिए कि जो उद्योगपति होते थे वो भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में अपना कुछ दिन करवाया काम, या जैसे भी कुछ दिन नहीं भी, तीन तीन साल चार चार साल भी काम उन्हीं लोगों से। अब देख लीजिए आप, आज के परिपेक्ष में अगर हम देखें, हाउसकीपिंग का स्टाफ, आपके सिक्योरिटी का स्टाफ, तमाम जो स्टाफ्स हैं, इन तमाम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर से ही लिए जाते हैं। इस परिपेक्ष में ये एक्ट बहुत बहुत अहम है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ही अगर 20 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉइज एक संस्था रखती है, तो उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता है। उस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद उस संस्था को गंभीरता से तमाम चीजें, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस संस्थान की, और जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम कहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर को दे रहा है, वो भी बड़ा उसको भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वो भी बड़ी गंभीरता से उसको देखना है कि अगर महिला है, उनके बच्चे हैं, तो क्रच की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कई सारी चीजें हैं इसमें, कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अगर 100 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉई हैं, तो कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और इसके अलावा देखिए जैसे शौचालय, स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। तो ये सब प्रोवाइड करना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक बार एक इस एक्ट के तहत, यानी कि 20 एम्प्लॉयज से ज्यादा अगर है इस एक्ट के तहत एक बार प्रावधान किए गए हैं। अनीश, जो बात अभी संजय जी कह रहे थे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र मिलाकर ये एक बहुत बड़ा दायरा बन जाता है, तो किस तरह की स्थिति है अगर हम एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक की बात करें, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में है, तो स्थितियां किस तरह से हैं? स्थितियाँ कॉन्ट्रैक्ट जॉब में तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक एक्ट के लिए होता है, बेसिकली कि हमने जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद ना तो एम्प्लॉयर के पास कोई काम होता है, ना एम्प्लॉयज के लिए कोई काम रह जाता है। तो इस स्थिति इस टाइप के जो काम होते हैं, उन सब के लिए एक कानून में ये व्यवस्था की है कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो परमानेंट लेबर की जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सके स्पेसिफिक जॉब्स के लिए, बेसिक पर्पज वो है। और उसके बाद फिर जब परमानेंट एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट, जैसे रामवीर जी ने बताया, एम्प्लॉयर की भी अपनी बाध्यताएं होती हैं, उनकी बाध्यताओं के हिसाब से उनको कितने एम्प्लॉयज को अफोर्ड कर सकते हैं परमानेंट बेसिस पे, और किनको किनको जॉब बेसिस पे कर सकते हैं, उस हिसाब से करते हैं। और जैसा संजय जी ने बड़े डिटेल में बताया है कि 20 से अधिक अगर एम्प्लॉय हम किसी भी साल में करते हैं, उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमको इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर करते हैं, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम लोग आगे इसको एक बात मैं रामवीर जी आपसे समझना चाहूंगी कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है संगठित क्षेत्रों की, अगर हम बात करें जहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कई बार नौकरी पाने की चाहत में बहुत लोग उसको बहुत थॉरली नहीं देखते और साइन कर देते हैं, तो क्या अपने उनके जो राइट्स हैं वो वहीं पर खत्म होते हैं, या उसके बियॉन्ड हम सोच सकते हैं कि साइन तो कर दिया लेकिन उनके राइट्स जो हैं वो बने रहेंगे? अभिलाषा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। बहुत मूलभूत एक तथ्य है जी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो सुविधाएं हैं जी, और जो दूसरे अधिनियमों में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड एक्ट हो, चाहे वो ईएसआई का एक्ट हो, चाहे वो मिनिमम वेजेस हो, अगर आपने उसके विपरीत कुछ भी आपके एम्प्लॉयर ने और आपने साइन कर दिया है, तो देश का कानून उससे ऊपर है। आपको जो अधिकार उन कानूनों से मिले हुए हैं वो आपको फिर भी मिलेंगे जी। जैसा आपने शुरू में बताया था कि इस बारे में जानकारी का अभाव है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी साइन कर दिया है तो मुझे केवल वही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कानून में हो सकता है कि आपको और सारी सुविधाएं भी दी हुई हो जी। इसलिए जरूरी है कर्मचारियों के लिए भी और उद्योगपतियों के लिए भी कि वो उन कानूनों की जो बारीकियां हैं वो समझें और अपने कर्मचारियों को वो सारी सुविधाएं प्रदान करें।
जी। क्योंकि भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उन कानूनों का पालन नहीं किया अच्छे से तो उस कानून में जो प्रावधान है पेनल्टीज के जी जी और जो लायबिलिटी आपकी है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जी अनिश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? रामवीर जी जो बात कह रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल। जी 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 ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई बाध्यता है जो कानून के विरुद्ध है ऐसी कोई बाध्यता एप्लीकेबल नहीं होती जो कानून में प्रोवाइड होता है वो सब कुछ मिलेगा। यानी कि कोर्ट जाने का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। जी। बहुत अच्छा बताया कि कानून में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है वॉइड ऑफ एन इश्यू है वो पहले दिन से ही गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको मतलब किसी भी व्यक्ति को 500 रुपए रोज पे रख रहा हूँ मिनिमम वेज अगर हमारे देश की हमारे एक राज्य की जो है वो अगर 1000 रुपए है तो आप 500 में नहीं रख सकते शिकायत के काबिल हो जाएगा। सिमिलरली वो कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से ESI CPF इत्यादि को नहीं करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एंटर कर जाते हैं तो वो खराब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। तो ये बड़ा स्पष्ट है ये हमारे श्रमिकों को समझना चाहिए हमारे जितने भी लेबर जो काम कर रही है उनको ये जानकारी होनी चाहिए और आपके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई उनके अहित वाला कोई अगर संविदा होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो संविदा निरस्त की जाती है अगर आप न्यायालय में जाएंगे। जी बिल्कुल। एक छोटी सी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हम साइन कर देते हैं और जो उद्योगपति हैं वो भी समझते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है हमने सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पे डाल दी है जी। लेकिन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसके पास अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिसके यहाँ काम कर रहा है जिम्मेदारियाँ उसकी अल्टीमेटली हैं। मैंने जब मैं प्रोविडेंट फंड विभाग में कमिश्नर के रूप में काम करता था तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते थे जी। कि जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी या उसको जो लाभ है वो नहीं दिए जा रहे जी। तो उसमें फिर फैसला यही होता था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया है तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी जी। और करोड़ों रुपए का फिर उनको जो मालिक है उद्योगपति है उनकी डिमांड असेस होती है और उनको वो पैसा देना पड़ता है। तो पहले ही जब आप शुरू में कॉन्ट्रैक्टर को रखें तो आप ये सारी चीजें सुनिश्चित कर दें कि उसके पास ये प्रोविडेंट फंड ESI का बाकायदा पैसा जमा हो रहा है आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं जी। ताकि भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रॉब्लम हो और ना आपको किसी तरह की। और शायद इसी वजह से इसमें प्रावधान है कि अगर आप दे रहे हैं सैलरी तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए कंपनी का उसके सामने। एक बहुत अहम बात इन एडिशन टू रामवीर जी के बताना चाहूंगा कि जब भी एक देखिए कई रिटर्न्स फाइल करनी होती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो लेबर सप्लाई कर रहा है उसको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है फॉर्म ए है शायद वो जिसमें कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है प्रिंसिपल एम्प्लॉई है उसके दस्तखत होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने तमाम जो लॉज हैं जो आधारभूत लॉ हैं जैसे मैंने बताया कि 140 से ज्यादा लॉज हैं जो तरह तरह से हमारे श्रमिकों को हम वेलफेयर स्टेट है मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात पे तो वो प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर हर कानून में ये वर्णित है ये बहुत अहम बात है हर कानून में ये वर्णित है कि अगर कहीं पे वॉयलेशन है तो किसी भी तरीके से श्रमिक को कॉन्ट्रैक्टर के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉई अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉई को ये करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कानून है प्रिंसिपल एम्प्लॉय भाग नहीं सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया तो अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था और 2.5 साल बिताने के बाद अचानक से एक दिन HR ने रेजिग्नेशन मुझसे मांगा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे टर्मिनेशन लेटर लेना चाहिए या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए फिलहाल मैं छुट्टी पर हूँ। इनके लिए क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले इन्हें नौकरी से हटाया गया है जी। इनको क्या करना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनका 3 साल का है उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि क्या कितने पीरियड का नोटिस देके व्यक्ति दोनों पक्ष
अगर ये छोड़ना चाहे तो कितना समय का नोटिस देंगे, वो छोड़ इनको हटाने के लिए कहेंगे तो कितना बड़ा नोटिस देना होगा, पहली चीज उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ये निकालें कि क्या इनका नोटिस पीरियड है, वो इनको देना पड़ेगा, और क्या कारण है उनको निकालने का। अकस्मात फोर्सफुली नहीं निकाला जा सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के आधार पे अगर ये 2 महीने का नोटिस है या 3 महीने का नोटिस है और उसका वर्णन है तो इनको वो जो सहायता है वो अवश्य मिलेगी। रामवीर जी ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे रिजाइन लिखने को कहा गया है, रेजिग्नेशन लिखने को कहा गया है, तो मैं रेजिग्नेशन दे दूं या मुझे उनसे टर्मिनेशन लेटर मांगना चाहिए, क्या ये लेबर कोर्ट में इसे लेकर कुछ अहम स्टैंड बनता है क्या कि आपने खुद रिजाइन कर दिया, क्योंकि जनरली यही होता है एचआर आपको बुलाते हैं और आपसे कहा जाता है कि अब आपकी सेवा हमें नहीं चाहिए, आप रिजाइन कर दीजिए, तो इसमें कुछ टेक्निकल है क्या जिस जो मदद कर सकती है हमारे दर्शकों को। देखिए संजय जी ने जैसा बताया कि ये निर्भर उस पे करेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का है और किस तरह का आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है जी। अगर आप खुद से इस्तीफा दे देते हैं, खुद से रिजाइन कर देते हैं, इसका मतलब दोनों पार्टीज में कर्मचारी और एम्प्लॉयर के बीच में एक सहमति है कि मैं अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे रहा हूं। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है तो फिर एम्प्लॉयर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसा संजय जी ने बताया कि जो नोटिस पीरियड है या तो नोटिस दिया जाए उसको, या नोटिस नहीं देते हैं तो उसके एवज में 2 या 3 महीने या 1 महीने का जो भी नोटिस पीरियड है उसकी सैलरी, उसका वेतन उसको कर्मचारी को मिले। तो जैसा हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका नोटिस पीरियड कितना है, उसमें क्या वर्णित है, उसके आधार पे ये इसका निर्णय होगा। यानी डिमांड नोटिस जो है वो एक एम्प्लॉय का अधिकार है, वो मांग सकता है जी। को जो अगर प्रसूति के समय मैटरनिटी के कितनी छुट्टी होनी चाहिए, इसके लिए कोई किसी एक साधारण व्यक्ति से नहीं पूछा गया था, मेडिकल बोर्ड ने बताया था कि एक नारी को जब एक बच्चा होता है उसके बाद कितना समय का उसको आराम करना चाहिए, बच्चे की देखरेख के लिए कितना समय होना चाहिए, और इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी नहीं भूलना है कि अब नए कानून के तहत अभी संशोधन हुआ, इवन पुरुष को भी जो पिता है उसको भी पैटर्निटी लीव दिया जाता है, और उस तो पिता का तो इनके हिसाब से अगर मैं चलूं तो पिता का तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे जो इनका कहना है कि वो बाकी 250 बच्चों को छोड़ के वो अध्यापिका चली गई है, देखिए वो 250 बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी अध्यापिका को लाया जाएगा, ये मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कानून, अगर आपको मैं विदेश का अनुभव दूं अपना, विदेशों में जो मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव है वो हमसे अभी भी ज्यादा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी परिपक्वता से 6 महीने का समय दिया गया है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी सोच है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है कि अगर एक एम्प्लॉय मिसिंग है तो उसकी जगह कौन सा एम्प्लॉय आएगा, जिससे उस एम्प्लॉय का अगर मैं बीमार हूं और मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी जगह कोई और काम करेगा और काम को हल निकाला जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अवस्था है हमारे देश में, तो जैसे हमने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर और परमानेंट लेबर, ये हो सकता है कि जो उद्योग की जरूरतें हैं उसकी वजह से हम इसको क्लासिफाई करें, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी मूलभूत अधिकार हैं या जो जरूरतें हैं किसी भी कर्मचारी की, वो चाहे वो परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, सबकी समान है जी। जैसे उसको सप्ताह में छुट्टी मिलनी चाहिए तो परमानेंट वर्कर को जो मिलनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी मिलनी चाहिए। बल्कि वर्किंग आवर्स भी दोनों के बराबर होने चाहिए, कानून तो ये कहता है। बराबर होने चाहिए जी। तो अगर इस तरह की मानसिकता है या कोई गलत फहमी है उद्योग जगत में कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो हैं उनसे किसी भी तरह का काम और बिना छुट्टी के और कितने भी वर्किंग आवर्स रख सकते हैं, तो ये जानकारी का अभाव है एक तो, और दूसरी एक मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। और जो डायरेक्ट लेवल लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, जिसको मैं इनडायरेक्ट लेबर कहूंगा, यानी कि जो हमारे यहाँ काम जो स्थाई है और जो ठेके पे आया है, दोनों में
सिर्फ और सिर्फ हायरिंग का फर्क है, ये एक बहुत बड़ा चीज है। बाकी जैसा आपने अभी बताया सारे अधिकार सारी चीजें बिल्कुल वही है, यही जो एक्ट है इसका उद्देश्य ही यही है जी। जितेंद्र नारायण सिन्हा लिखते हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक को वेतन के अलावा कोई सुविधा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला लेकिन कुछ नहीं हुआ, आगे क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई फैसला नहीं आया है। अगर वेतन के अलावा अलग अलग पर्क्स की अगर मांग रखते हैं लोग, सुविधा की मांग रखते हैं, और ये नियोजित शिक्षक हैं, मेरे ख्याल से इनका कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है, तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है? ऐसे में कानूनी जो रास्ते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में विषय पेंडिंग है जैसा आप बता रहे हैं। अगर पेंडिंग विषय है तो सुप्रीम कोर्ट उसको समय आने पर तय करेगी और वो कानून के रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके हैं और अपनी तो जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं उसके बिना पर उनको रिलीफ मिलेगी। जी स्तर पे भी है, केंद्रीय स्तर पे भी है, वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आजकल तो सबसे बड़ी बात इस पे मैं आना चाह रहा था, इस कानून के तहत लेबर कमिश्नर के आप शिकायत करिए और अगर शिकायत का निवारण नहीं होता है किसी वजह से तो आप उसके ऊपर वाले अधिकारी को कर सकते हैं। आपके पास RTI है, तमाम जो लॉ है वो आपको सशक्त करते हैं और मजबूती देते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार के लिए सो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कानून ये कहता है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि जो हायर्ड एम्प्लॉय है और दूसरा एम्प्लॉय जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसके दोनों के अधिकार समकक्ष है, बराबर है, उनमें कोई मतभेद नहीं है। जैसा संजय जी ने कहा अधिकार बिल्कुल समकक्ष है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है उसकी अपनी मजबूरियां होती है। मजबूरियां होती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, मैं 2 महीने के लिए हूँ या साल भर के लिए हूँ, अगले साल मेरा रीएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं एम्प्लॉयर से कैसे रिलेशंस बना के रखता हूँ। तो ये उसकी मजबूरी होती है, इसलिए वो जो 2 महीने की लीव देते हैं तो 2 महीने की लेने को तैयार होता है शिकायत करने की बजाय, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे अनिल जी ने काम करता है। प्रैक्टिकल बात, ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन कानूनी अधिकार उपलब्ध है, हम चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं समझ सकता हूँ जो कॉलर्स के सवाल आ रहे हैं या संदीप जी का भी सवाल था, तो दोनों सवालों में मतलब सीधी बात यही थी कि वो उनकी मजबूरी है कि वो प्रिंसिपल को खुश रखना चाहती हैं, उनको खुश रखना चाहती हैं, इसलिए जो भी छुट्टी मिलती है उस हिसाब से काम करती हैं।